हेलो फ्रेंड, आज ऐसी सब्जी बनाई है कि खाते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बेसन की सब्जी है लेकिन लगती है मछली पूरी। हाँ बच्चों, बताओ कैसा है? अच्छा लग रहा? क्या टेस्ट आ रहा? मछली? वाह! तो दोस्तों, आप लोग भी बनाइए और खाइए। रेसिपी आगे मैं सेंड कर दी हूँ। चलिए फिर, बहुत आज अच्छा खाना बना है। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। तो बेसन की सब्जी में क्या क्या पड़ता है ये रेसिपी आपको बता रहे हैं। हल्दी डाल दिया, आधा चम्मच मिर्च डाल दिया हमने। अब एक स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, जितना चाहिए। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। अब इसको क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हमें पकाना है। तो पहले से हमारा थोड़ा पकौड़े बनाए थे तो पहले का बेसन पड़ा था गोल, और इसमें ये कटोरी डाल दिया हमने। इसको घोल को खूब हाथ से मसल लेना है ताकि इसमें गिटक ना रह जाए। ये देख रहे हैं ना, मैंने कितने अच्छे से कर लिया, इसको मिला लिया। और इतना पतला भी नहीं होना चाहिए ना इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होगा। हाथ का उंगलियां का जो है ना वो ना छोड़े, ये देखो ऐसे। अब इसको हम गैस पे रख देंगे और ये प्याज है, ये लहसुन, ये हरी मिर्च, ये टमाटर है, इसको हम मिक्सी में पीस देंगे। ये पीली वाली राई है, ये लहसुन। लहसुन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लहसुन की ना झार आती है तो मछली की तरह अच्छा लगता है, और मछली में तो कच्चा मसाला तो बहुत ही मतलब मायने है। कच्चे मसाला नहीं है तो मछली नहीं है। तो इसलिए बेसन में डाल रहे हैं सरसों, तो भी एकदम मछली की तरह बनती है। बच्चों ने खाया और बोला मछली है कि बेसन की सब्जी, समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको हम चलाते रहेंगे पूरा। ये देखिए, मतलब इतना चलाइए कि गिटक ना पड़े इसमें। एक तरफ हमारा दूध भी उबल रहा, दोनों काम हो रहा। और ये हमने हमारा हो गया उधर, थाली में थोड़ा घी लगा दिया, और घी लगाने से ताकि वो हमारा चिपके ना थाली में। इसको हम पसार देंगे, जैसे चक्की नहीं बनती है तिल की या मूंगफली की, जिसकी भी आप लोग बनाते हो, हम चक्की बोलते हैं उसको। इसको फैला दिया बर्फी की तरह, पूरा कढ़ाई साफ कर दिया क्योंकि इसी कढ़ाई में हमको फिर दोबारा तलना भी है। इसको हम पूरा बना दिए चक्की की तरह गोल, एक रोटी की तरह मोटी रोटी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अभी हमारा मसाला पीस रहा है, सरसों और लहसुन हमने सिलबट्टे पे पीसना, क्योंकि सिलबट्टे का स्वाद ही अलग होता है। जिसने खाया सिलबट्टे का वो कभी मिक्सी का नहीं खाएगा। ये हमारी चक्कियाँ तैयार हो गई है, 5 मिनट में ठंडा हो गया। और इसको हम चाकू से काट देंगे, इसके पीसेज बना लेंगे और चाकू के ही सहारे इसको हम निकालेंगे क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा हमारा गीला है। ये देखो सुंदर सा निकला है ना, चिकना सा। सारे ऐसे ऐसे निकाल देंगे चाकू से पकड़ के। और एक तरफ हमने कढ़ाई रख दी है, गरम हो रहा, तेल डाल दिया उसमें। सरसों का तेल हम खाते हैं, आपको रिफाइंड डालना रिफाइंड डालिए, डालडा डालना डालडा डालिए, जो आपको खाते हैं। पर तलने से मतलब है सिर्फ इसको। अब इसमें हम 8-10 पीस डाल देंगे, मतलब 20 पीस तैयार हो गया ये बन के हमारा। मतलब 10 आदमी तो खा ही लेंगे 2-2 पीस करके।
एक बार और तल लेंगे, क्योंकि हमारे घर में खुद ही 8 लोग हैं, तो थोड़ा ज्यादा है। आपको 100 ग्राम बनानी है तो 100 ग्राम आप बना सकते हो। मतलब विधि यही होगी, अपना नमक मिर्च का हिसाब रख लें आप, उसी हिसाब से आप डाल दिया करें। ये हमारा एक तोड़ता तल लिया, दूसरा छोर है। ये जब तक हम मसाला अपना तैयार कर ले रहे हैं, ये पीसी हुई राई और ये लहसुन है, उसी में धनिया डाल दिया 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया, 1 चम्मच लाल मिर्च डाला हमने, ये गरम मसाला हमने घर में कूटा था, और एवरेस्ट का है मीट मसाला है वो डाल दिया 1/4 चम्मच। इसको उठा के रख देते हैं। ये हमारा देखो तल के तैयार हो गया पूरा। दूसरा छोर निकाल लेंगे, वो भी तल गया हमारा। जो तेल बचा था वो हमने अपने इस जो बाउल होता है ना उसमें रख दिया, बाद में फिर कभी तल लेंगे कोई चीज़। ये हमारा तल के पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन और मेथी और 2 लाल मिर्च साबुत हो उसको डाल दीजिए, उसे सौंधापन आ जाता है ना, बहुत टेस्टी हो जाता है। ये हमारा तड़का, अब इसमें हम प्याज वाज कुछ नहीं डालेंगे, हमारा तड़का जल गया। इसमें डाल दिया हमने प्याज और जो हमने पीसा था राई और लहसुन और टमाटर, और जो मसाले निकाले थे आपने देखा ही था, हल्दी मिर्च मसाला गरम मसाला जितने नमक अब डाल देंगे इसमें। हमारा मसाला थोड़ा सा पानी जो था कटोरी धो के वो भी डाल दिया इसमें, जितने लगे थे कटोरी में और मिक्सर में। अब ये नमक डाल देंगे हम, नमक मसाला में पक जाएगा। मसाला हमारा तैयार हो गया पक के, कढ़ाई छोड़ दिया। अभी तेल छोड़ दिया कढ़ाई, तो इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसको 10 मिनट पकने देंगे खुला। 10 मिनट पकने के बाद ये डाल देंगे, तो जो पतला भी थोड़ा सा रहेगा ना, तो पानी जो है हमारा ये है ना सोख लेता है। ये देखो हमारा बनके घोल तैयार हो गया, जो था हमने गैस बंद कर दिया और इसको डाल दिया। अभी पानी है ना सोख लेगा पूरा, क्योंकि इसको तला है ना सूखा है, जैसे कढ़ी में पकोड़े सोखता है। अब इसको हम भगोने में निकाल लिया, क्योंकि खाली कढ़ाई माँजने के लिए रख देते हैं। इसको देखिए कितना अच्छा बना, मुँह से पानी आ ही जाता है।